म्याऊ म्याऊ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम ले जा रहे हैं बच्चों को लंच के लिए बाहर, और अभी स्कूल से आने वाले हैं क्योंकि काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे हमें बाहर जाना है। इतनी सक्षम वो भी बोल रहे थे काफी टाइम से। साथ में माँ भी चल लेगी और भाभी जी और सबके सब दीदी सब जाएंगे बाहर, और आज लंच करेंगे बाहर। और जाएंगे हम पिनाकल मॉल जो सेक्टर 10 में है, वहाँ है एवरग्रीन रेस्टोरेंट है, तो वहीं चलेंगे और काफी अच्छा है वो। तो चलिए फिर मैं आपको वहीं मिलती हूँ। और बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, मैंने सारी तैयारी कर रखी है उनके कपड़ों की, जैसे ही आएंगे हम तुरंत तैयार होके निकल जाएंगे। तो अब मैं चीकू का बैग ये रस्सी से खींचूंगी ऊपर, इस रेलिंग पे बांध देती हूँ मैं उसको, और चीकू नीचे से बैग बांध देता अपना और मैं खींच लेती हूँ। बांध दिया तो ऐसे खींच लेती हूँ मैं उसका बैग, और अब होते हैं तैयार फटाफट से और फिर मिलती हूँ उसके बाद में आपको। तो निकल रहे हैं हम, बाल मेरे सूखे नहीं है, गीले हो रखे हैं, निकल रहे हैं और तैयार हो गए। चलिए चलो। तो पहुंच गए हम एवरग्रीन में, और यहाँ पे मिठाइयों का भी है जो आपने पैकिंग करवानी है, खानी भी है, तो यहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो पहुंच गए सबके सब, और देखो कितनी बड़ी टेबल घेर रखी है सबने। बैठे हुए अब डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या खाएं। तो मैंने ऐसे घूम के सबकी वीडियो ले ली और सब कैमरे में आ गए, कैप्चर हो गए सबके सब। तो सब ने अपनी अपनी पसंद का मंगा लिया खाना सारा, जिसने जो लंच करना था। और मैंने मंगाया फ्राइड राइस और मंचूरियन ग्रेवी वाला, जो काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। तो यहाँ पे खा पी के टिन-टिन कर रहा था अपनी मूछें साफ। हो गया हमारा लंच और सबने खा लिया, इतनी खुश है। चल रहे हैं हम ऊपर, रिलायंस जाएंगे, रिलायंस में थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। तो पहुंच गए हम रिलायंस में, और यहाँ पे काफी कम वैरायटी रखी हुई थी, शायद पता नहीं बंद हो रहा है या फिर शिफ्ट हो रहा है, ये मालूम नहीं चला हमें, पर वैरायटी काफी कम थी और कम कम था सारा सामान। कपड़े ले लो और फोटो खींच रहा है। तो अब निकल रहे हैं घर की तरफ, दो रिक्शे करे हैं, एक में वो गए आधे और ये आधे हम जा रहे हैं। टाइम से हम घर आ गए थे और बारिश का मौसम बन गया है, देखो कितना अंधेरा हो गया, बारिश शुरू हो गई है, मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया, बारिश हो रही है और ये देखो यहाँ पे मेरे पौधे हैं, उन पे भी गिर रही है थोड़ी थोड़ी बूंदे, और ये तुलसी का पौधा भी आ गया हमारे घर पे, और ये वाले जो स्नेक प्लांट है वो ये इसमें लगा दिए मैंने सारे, और मेरे अच्छे फूल हो रहे हैं। छुट्टे आ रहे हैं बारिश के, अब इस कमरे से देखती हूँ बारिश। तो नहाने चलूँ मैं ऊपर, तो देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। तो मैं आई हूँ बाहर छत पे टावल डाल के सर पे देखने के लिए, यहाँ पे पानी जमा हो जाता है ना नाली का ये, और वहाँ मेरे पेड़ छुप रखे हैं, वो चीकू नहा रहा है, नहा ले।
तो आ गए नहा के छत से। जब तक नहाने गए तब तक बारिश थोड़ी कम हो गई थी, और अब दोबारा कपड़े चेंज करो। और एकदम से ही ऐसे आंधी का मौसम और एकदम से बारिश शुरू हो गई। बहुत अच्छी हो गई बारिश। ओह, छत में भी झाड़ू लगा दिया, अब बालकनी में भी पानी जमा हो गया तो वहां पे साफ करूंगी। तो बारिश दोबारा शुरू हो गई तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने साफ नहीं करा, फिर दोबारा भर जाएगा पानी। इतनी गर्मी हो रही है ना, ये देखो पसीना। और बिल्ली फिर से आई है, इसको दोबारा दूध दे रही हूँ मैं। ये तीसरी चौथी बार पी रही है दूध। चल ले माओ की बच्ची, चल ये ले। हाँ चल ये ले। भूख लगती है, गेट पे ही बैठी रहती है, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, पता चल जाता है इसको बहुत भूख लगी है। तो अब मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, तो पानी का टाइम भी हो जाएगा और छत में बैठ के फिर भिंडी भी काटूंगी साथ के साथ। तो अभी जब पानी का टाइम होगा तो तभी जाऊंगी छत में। और ये देखो पसीना, और फिर से हो रहा बारिश का मौसम। आ गई हूँ, पानी चला है मैंने, और यहाँ पे काट रही हूँ मैं भिंडी। और वो बिल्ली, माऊ बिल्ली बैठी है वहाँ पे। तो अभी हम दोनों आए मार्केट और कुछ सामान लेना है, दाल और कुछ दूध और छाछ। तो दोस्तों आ गए हम, और टिंटिन चला गया पढ़ने के लिए, और चीकू भी पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके चल रहे हैं पेपर, और मैं जा रही हूँ किचन में। और बनाती हूँ खाना। तो दोस्तों यहीं पे मैं आपको बाय बाय करती हूँ, और फिर कल मिलूंगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए। बाय, गुड नाइट।